चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। क्या हम कर ले, क्या वो कर ले, 1000 रुपए से होता क्या है? और पहली बात तो वो आए तब ना कुछ नहीं मिला, पिलसन थी वनी आती मेरी, कुछ नहीं मिला हमें। तो कितने पैसे देने चाहिए सरकार को? एक महीने में, एक महीने 10,000 रुपए देवा तो इतने बड़े परिवार में काम भी चला आगे नहीं। तो मजदूरों को तो इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये सरकार तो मजदूरों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। अभी जैसे कि लॉकडाउन चला हुआ है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो है कि ना हम खर्चा टाइम पे नहीं है। अच्छा, और जब खर्चा टाइम पे नहीं मिलने का तो काम कहाँ से होगा? बलद को खिलाएं या अपने आप खाएं? जी तो काम अभी बंद है या फिर चला हुआ है? फिलहाल चालू है। मुझे आप एक चीज बताइए, सरकार ने कहा है कि मजदूरों के लिए 1000 रुपए सरकार ने व्यवस्था की है और महीने में दो। नहीं जी, ऐसा कोई वो नहीं। आपको लगता है कि 1000 रुपए में और चावल और अनाज में क्या घर में खाना बन जाएगा सही से? नहीं बन सकता, काम चल जाएगा? नहीं बन सकता। दिक्कत और भी कई सारी जरूरतें हैं, बीमार है जो है, हर चीज है जो है उसमें, मतलब हमने बैल ही कर रखा, उसे भी जो है 1500 रुपये का राशन चाहिए। उस क्या हम कर ले, क्या वो कर ले, 1000 रुपये से होता क्या है? और पहली बात तो वो आए तब ना। अच्छा, जैसे आपके साथ ये इतनी सारी दिक्कतें आ रही, हाँ जी, इसके लिए आपने किसी सरकारी अधिकारी के पास या कि कहीं कार्यालय में गए आप? कहाँ जाए, लाभ लेने किसके पास जाए, कहाँ जाए और किससे कहे, जानकारी हो तो कुछ जो है कहे सुने भी। जानकारी दो आप हमें, हम जो है चले जाएंगे वहीं तक, इतना इरादा भी रखते हैं हम। मखमली, मखमली मैं मजदूरी करा जे। किस चीज की मजदूरी? रंग ढो रखा है अपना, जो ये मजदूरी कारट बन रहा है वो जो कारट। अच्छा, उसमें काम करते है जा कई महीने से वो भी नहीं आ रहा। तो जैसा आपका जो कार्ड बना हुआ है उसमें कुछ पैसे आए अभी? अभी तक तो आए नहीं जी, आए नहीं। और इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बस जी दिक्कत ही दिक्कत है, बच्चे स्कूल घर में बैठे, उनकी फीस की भी फीस देनी पड़ रही है अभी। हाँ जी, लड़का उस स्कूल में पढ़ा कांदला। अच्छा, मैं फीस की भी मांग कर रही। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है? राशन 8 आदमी है हम घर में। अच्छा, 2 का राशन मिला है, 2 यूनिट का। हाँ, तो कितने पैसे देने चाहिए सरकार को? एक महीने कम से कम 10,000 रुपए देवा तो इतने बड़े परिवार में काम भी चला आगे नहीं। निकल क्या मजदूरी करते हो? मजदूरी बस यही बड़द बुग्गी कर ले, भट्टे पे लगा लग जा, इसकी बिटाड़ हो जा। अच्छा, अभी उसमें अच्छा। भी जड़ बुंदी सी हो लगी, उसमें भी नहीं काम चलता। तो इस टाइम में क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत बस यही आ रही, ना तो घर में ना खाने को ना नहाने को, मजदूरी करे खा ले। जो मजदूरी करते हो आप लोग, वो उसका पैसा टाइम पे मिल जाता है? पर टाइम पे भी नहीं मिलता बाजी, फिर कितना लेट मिलता है? 10-15 दिन लेट भी मिल जा। तो जैसा कि अभी ये लॉकडाउन में सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी कि जो महिलाएं हैं उनके खातों में, जनधन के खाते हैं जो, उनके खातों में 500-500 रुपये भेजे जाएंगे, और जो विधवाएं हैं या वृद्ध है उनके पेंशन की भी 3 महीने की पेंशन एकदम से जारी कर दी जाएगी, ऐसा कुछ आया आपके यहाँ? मेरी तो ना तो पिलसन आई, पिलसन भी बंदरी मेरी विधवा की। अच्छा,
और ना पैसे आए खाते में। दुकानें टाइम पे खुलती है यहाँ पे? खुल जा थोड़ी घनी देर, बस यही साग सब्जी मिल जा, नहीं मिलती अपनी नमक की पोले, कुछ नहीं मिला। पिलसन थी वनी आती मेरी, कुछ नहीं मिला हमें। यूपी में एक मजदूर तबका बहुत बड़ा है और उसमें से केवल कुछ ही तबका है जो श्रम विभाग के अंतर्गत रजिस्टर है और उनमें से भी उन लोग कुछ लोगों के कार्ड रिन्यूअल भी नहीं है जिनको ये लाभ मिल सके। तो ऐसे मजदूरों का क्या क्या कर पाई है यहाँ? जैसे यहाँ का एक बड़ा मजदूर रजिस्टर्ड है श्रम कार्यालय में, सरकार उन्हें तो क्या देगी, इन्हें भी नहीं दे रही। जिनके रजिस्टर्ड हो चुके, जो रजिस्टर्ड है उन्हें भी नहीं दे रही, इन्हें तो क्या देगी सरकार। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोगों के पैसे आए हैं 1-1 हज़ार रुपये। 1-1 हज़ार रुपये किसी के खाते में आए हुए होगी? सबके खाते में तो नहीं आए भाई, मजदूरों के किसी के खाते में पैसा नहीं है। ये तो बहकावा है, लोगों को बहका रही सरकार। और जब वोट लेने का समय आवे तब सरकार ये ना आज्ञा कर दे कि हम मजदूरों के लिए ऐसे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं लिखा हुए, लेकिन वो सब विफल हुई, कोई फायदा नहीं आया। तो महिलाओं का की मजदूरी का क्या स्थिति है? उनको बराबर मिलती है महिलाओं को? नहीं जी, महिलाओं को कोई बराबर नहीं दे रहा। जो जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा में भी आप लोगों को जो है महिलाएं हैं इन्हें 1 दिन काम दे दिया 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन काम दे दिया 3 दिन की छुट्टी। तो ऐसे है, ये तो भुखमरी के कागार पर है, मरने के लिए तैयार बैठी। तो मजदूरों को तो इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ये सरकार, तो मजदूरों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। तेरा यू उधार लेंगे? अरे तो मैं मांग ले जा, तू चल जा, लो ये ले, ये ले, ये ले, ले बना वो भी ले जा कट्टा भी। सुदेश देवी ले तेरे भाई और वो भी बनी है। ये तो एक बात देखो, तो हमने बता दिया पैसे इकट्ठे करके, जितने पैसे इकट्ठा चला रहे लड़के, इतना पैसे इकट्ठे करके यू दिया गरीबों को, लोग ले लो, ये सरकार का थोड़ा ही है। खराब होगा ना, तुम्हारे पास यहाँ पहला नाम भी था ना।